लोग ऐसा कहते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा बहुत जल्दी बंद हो जाएगा, लेकिन आपको एक राज की बात बता दूं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा बंद हो चुका है। नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक इंसान होता है, जब उसको पैरालिसिस हो जाता है तो मेंटली तो काम करता है लेकिन फिजिकली काम नहीं कर पाता है। तो जस्ट इसका उल्टा हो रहा है TMKOC के साथ, वो मेंटली बंद हो चुका है लेकिन बस फिजिकली काम कर रहा है। अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को और घसीटने की ज़रूरत नहीं है। अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा में रह ही कौन गया है? सब पुराने एक्टर्स ने तो छोड़ ही दिया है लगभग। अब जो नए एक्टर्स भी आते हैं तो TMKOC भी इतना महान है कि वो भी चुन कर लाता है एक्टर्स कि ये वाला बंदा अगर ख़राब एक्टिंग कर रहा है तो इसको पकड़ लो। अब के जो न्यू एपिसोड्स आ रहे हैं उसमें भी जो व्यूज़ आते हैं तो उसमें भी ज़्यादातर व्यूज़ तो मेरे ख्याल से एक ही बंदे के वजह से आते हैं, वो है जेठालाल। ये जो शो है अभी चल रहा है वो 100% जेठालाल की वजह से चल रहा है। जिस भी दिन दिलीप जोशी सर ने TMKOC को छोड़ दिया ना, उस दिन इस शो की कहानी ख़त्म है। लेकिन अगर ये लोग जेठालाल के सीरियल छोड़ने के बाद भी सीरियल को घसीटना चाहेंगे और नया जेठालाल लेकर आएंगे तो लोग बहुत ज़्यादा हेट करने लगेंगे TMKOC को। तो वो नौबत आने से पहले यही मैं चाहूँगा कि TMKOC बंद हो जाए। TMKOC एक बहुत लेजेंडरी शो है। ये इतना अच्छा शो है कि कितने लोगों ने पूरा बचपन निकाल दिया इस शो को देखते देखते, और आज बड़े हो गए हैं फिर भी इस शो को देखते होंगे ओल्ड एपिसोड्स। TMKOC के ओल्ड एपिसोड्स का फैन बेस इतना तगड़ा है ना कि कुछ लोगों के घर पर तो खाना ही नहीं होता है जब तक TMKOC चालू ना हो। इन लोगों में मैं भी आता हूँ। TMKOC के बिना तो मेरा भी खाना नहीं होता है, चाहे मैं घर पे रहूं या चाहे अपने जॉब पर रहूं, मैं TMKOC देखते ही हुए खाता हूं। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं TMKOC का हेटर हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूं TMKOC का, लेकिन मैं ऐसा इसलिए चाहता हूं कि TMKOC बंद हो जाए ताकि इसकी लेगेसी बनी रहे। नहीं समझ में आया तो एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों सोचता हूँ कि TMKOC बंद हो जाए। फॉर एग्जांपल, एक क्रिकेटर होता है, वो अपने यंग एज में बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है, उसका फॉर्म भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बूढ़ा होता जाता है उसकी एज बढ़ती जाती है और बढ़ती एज के साथ उसके फॉर्म में भी डाउनफॉल आता है, और यही सब देखकर वो क्रिकेटर अपना रिटायरमेंट ले लेता है। और जनता ऐसा बोलती है कि इस भाई ने क्यों रिटायरमेंट ले लिया, ये तो अच्छा खेल रहा था, वही दुख भी मनाती है। लेकिन अगर वही क्रिकेटर रिटायरमेंट ना ले और कुछ साल खेले, फिर उसकी जो फॉर्म होगी उसमें डाउनफॉल आ जाएगा, और ये डाउनफॉल आने के बाद जो जनता आज रो रही थी और बोल रहे थे कि उसने रिटायरमेंट ले लिया, वही कल बोलेगी आपको कि इसको क्यों इंडियन टीम में खिलाते हैं, इसको तो निकाल देना चाहिए। इसी तरह TMKOC के कंटेंट में भी डाउनफॉल आ गया है। यही डाउनफॉल नहीं आता तो कोई भी नहीं चाहता कि ये शो बंद हो जाए, लेकिन ये डाउनफॉल आ गया है तो अब ऐसा चाहते हैं लोग कि ये शो बंद हो जाए। और कुछ छोटे बच्चे होते हैं जो वीडियो पे ऐसा कमेंट करते हैं कि भाई आप हेट करते हो TMKOC को। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के कंटेंट में डाउनफॉल आने की एक सबसे बड़ी वजह हर इंसान जानता होगा जो भी TMKOC का बड़ा फैन है। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि TMKOC में जो डाउनफॉल आया है उसकी सबसे बड़ी वजह है कैरेक्टर चेंज। एंड सेकंड बिगेस्ट रीज़न है TMKOC के डाउनफॉल आने का, वो है कि अब TMKOC में फनी फैक्टर, जिसके लिए वो सबसे ज़्यादा फेमस है, वो चीज़ बहुत कम हो गई है। अब वो लोग अपने शो के ज़रिए ज़्यादा ज्ञान देना चाह रहे हैं, बल्कि उनका मेन मोटिव जो शुरुआत से था वो लोगों को हंसाना था। आपका क्या ओपिनियन है TMKOC के डाउनफॉल के बारे में, फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि और भी वीडियोस देखने के लिए ऐसी मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।